नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल आवाज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगा। और बैंक निफ्टी के मॉर्निंग में जो 47,000 का लेवल मैंने बताया था, तो ऑलमोस्ट इसी आसपास ही क्लोजिंग दिया। हालांकि लास्ट में थोड़ा ऊपर मूवमेंट कर गया है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसमें स्टडर स्ट्रेंगल बनाए होंगे या फिर बटरफ्लाई बनाए होंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। फिर मैंने बुलिश ट्रेड भी मॉर्निंग में आप लोगों को शेयर कर दिया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास बुलिश पोजिशन होगा। और जो हमारे पास पोजिशनल ट्रेड चल रहा था उसे मॉर्निंग में ही कट करना पड़ा और नो प्रॉफिट नो लॉस में कट हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट रहा होगा, लॉस तो हुआ नहीं है। ओके, अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। देखिए, निफ्टी लोअर लेवल से बहुत ही हैंडसम रिकवरी दिया है, और जैसे कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि जब तक ये 20,850 के बिलो डेली में क्लोजिंग न देना, तब तक शॉर्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये मार्केट बुलिश है, बहुत तेज गति से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, गिरेगा स्लोली लेकिन रिवर्स होगा, वो बहुत फास्ट होगा। और आज 520 EMA का भी जलवा आप लोगों ने देखा होगा, जबरदस्त मूवमेंट। जितने लोग ये वीडियो नहीं देखे होंगे या जितने लोग 520 EMA के बारे में डिटेल नहीं समझे होंगे, प्लीज मैं कहूंगा कि ऊपर आई बटन में लिंक है, वीडियो को देखिएगा। मैंने फ्री क्लासेस में बहुत डिटेल आप लोगों को शेयर किए हुए हैं। ओके, देखिए, जब ये ब्रेकआउट किया तो मैं ट्रेड नहीं लिया, मैंने यही बताया भी ये वीडियो में, ठीक है, कि मैं क्रॉस ओवर में ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं लेता हूँ। जब ये ऊपर चला गया था, लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर चला गया था, तब भी मेरा व्यू था कि एक बार ये नीचे आएगा। पर मैंने आप लोगों के लिए मैसेज लिखा था कि 20,840-50 की रेंज में आएगा तो मैं बाई करूंगा। परफेक्ट भाव से आया और कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट की रिकवरी दिया है, 90 पॉइंट की रिकवरी दिया है, बेहतरीन मूवमेंट। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट मूवमेंट करना चाहिए, 21,000 का भाव कल दिखा सकता है। तो आज बहुत अच्छा गेन मिला है और उम्मीद करता हूँ कि ट्रेड आप लोगों ने बनाया होगा फ्रेंड्स। और देखिए, जितना डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों के लिए शेयर किया है, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट था, कहाँ मैंने शेयर किया था आप लोगों के लिए, इधर कहाँ गया, यहाँ देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो आपको ना सेटअप में बिलीव होना चाहिए, जबकि 870 चल रहा था। कई बार होता है ना कि ब्रेकआउट होता है फिर लोग इधर फंस जाते हैं, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू में नीचे आता है और वो ब्रेकआउट कर नहीं पाता है, फिर वो नीचे चले जाता है, तो लॉस होता है। क्या होता है, लॉस का साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए अपने सेटअप पे बिलीव करो, जब आएगा ना तो ट्रेड बहुत बढ़िया देगा। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, मैंने आज इसको टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जब मैं ट्रेड बना रहा था तब। ठीक है, अदरवाइज से बीच बीच में आपको बहुत अच्छा ट्रेड देते रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ना, कि आपके व्यू के अकॉर्डिंग जब मार्केट मूव करने लगे ना, तब तो पूर्ण विश्वास के साथ ट्रेड बनाना चाहिए। मेरे साथ लाइव में थे और जब यहां मूवमेंट कर रहा था, सब लड़के, सर बाई कर लें क्या, सर बाई कर लें क्या, बोले रुको, मेरे भाव में आएगा ना तब मैं बाई करूंगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, फिर मैं कोई रेंज फॉरवर्ड जैसा ट्रेड बना के जाऊंगा। ठीक है, और हो सकता है कि जब मैं शेयर किया होगा टेलीग्राम चैनल में, तो बहुत लोग यहाँ ले लिए होंगे, फिर यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आया होगा तो लोग डर के मारे, कई लोग पोजिशन भी कट कर देते हैं। आप कमेंट जरूर करिए कैसा फील हुआ यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लोग बनाए होंगे तो। ठीक, तो मैं इंतजार करता था मेरे भाव में, और जब यहाँ पर आया तो मैंने सबको बोला कि देखो, अगर आप सोच रहे थे कि आपके भाव में मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, अब जब यहाँ आ गया है ना, तो डेफिनेटली ट्रेड बनाओ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनाओ, बहुत अच्छा गेन मिलेगा। ठीक है, और मिला। तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था आज आप लोगों के लिए भी, और जो मेरे साथ लाइव ट्रेड कर रहे थे उन लोगों के लिए भी। चलिए अब आगे बात करते हैं, मैं बात करता हूँ पहले बैंक निफ्टी में। कल जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया था बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, कि देखिए जब तक अभी ये 47,000 के ऊपर है ना, बहुत फियर करने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक नहीं होना है, और 46,950 के बिलो जाएगा तो पोजिशनल ट्रेड को क्लोज कर देंगे, इसके नीचे क्लोज कर जाएगा डेली चार्ट में तो शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। लेकिन मुझे लगा कि अब ये सपोर्ट के आसपास है तो इसमें से बाई का ट्रेड बनाना चाहिए। मॉर्निंग में मैंने बाई का ट्रेड बनाया है इसमें, और ठीक ठाक गेन अभी आ रहा है, और उसमें मैंने रेंज फॉरवर्ड जैसा ट्रेड बनाया है, अगर मैं आप लोगों को शेयर करूं तो। ठीक है, देखिए ये है मेरे बैंक निफ्टी का ट्रेड था। ठीक है, तो इसमें अच्छा गेन मिल रहा है अभी। ठीक है, जो हम लोगों ने पुट शॉर्ट किया था जब बाजार नीचे आया था, तभी से प्रॉफिट मिल रहा था, कॉल बाई किए हैं उसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और जो कॉल सेल किए इसमें थोड़ा नुकसान है, और इसी तरीके से निफ्टी का ट्रेड मैंने बनाया है। हालांकि निफ्टी में ट्रेड मैं आप लोगों को दिया हूँ एक कॉल बाई और एक सेल, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, राइट। इसमें थोड़ा पुट के साइड नेगेटिव पोजिशन है, इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क हो जाता, सो आप लोगों को ट्रेड नहीं दिया, राइट। आज अच्छा गेन मिला क्योंकि मॉर्निंग में मैंने स्ट्रगल बनाया था 47,000 का, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा गेन मिला, और एक गेन लगभग 12 बजे के आसपास मिल चुका था,
तो 12 बजे के आसपास बहुत अच्छा गेन मिल गया था, इसलिए मैंने बोला चलो 90,000 आसपास गेन हो गया, इसको बुक करो, फिर दूसरा कोई और ट्रेड बनाएंगे। निफ्टी का मैं इंतजार कर रहा था, तो निफ्टी लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी दिया। कुछ स्टॉक्स जैसे मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, पतंजलि है, या फिर मैं बात करूं आपके लिए नजारा टेक है, आप देखिए नजारा टेक को। ओके देखिए, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि नजारा टेक यहाँ से निकल जाएगा, आज निकल गया है और मुझे लगता है ना बहुत जल्दी 1200 की तरफ जाएगा, तो मेरा टारगेट इसमें 1200 की तरफ का है। एक बात का ना मुझे बहुत दुख है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे टर्मिनल, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो, या पिछले वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा आपको, एवरी डे ना मैं इसको स्क्रीन में रखता था और मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस दिन ग्रीन कैंडल बनेगा ना, मतलब पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनेगा, तब फिर मैं इसमें बाई करूंगा। ये है तानला सॉल्यूशन, ठीक है, लास्ट टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, अभी रीटेस्ट कर रहा था, ठीक है, और रीटेस्ट से रिकवर कर गया है। ओके आज बहुत अच्छा मूवमेंट आया इसमें और काफी दिनों बाद इतना अच्छा वॉल्यूम के साथ इसमें मूवमेंट आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ये 1300 की तरफ जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, मैं खुद भी इसको ना 10% मूवमेंट करने के बाद ट्रेड ले पाया। ओके और वो भी कम क्वांटिटी में ले पाया, जैसे मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 1 लाख रुपए इसमें मैं नहीं डाल पाया, थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड डाल पाया, ठीक है। तो रीटेस्ट वाले जो सेटअप है उसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके और मतलब उसमें फॉलो करना चाहिए, उस सेटअप में फॉलो करना चाहिए, बहुत फास्ट मूवमेंट मिलता है जब उसमें स्टार्ट होता है चलना। तब मैंने इसी तरीके से आप लोगों को अभी कई दिनों से शेयर कर रहा हूँ जी पावर का, ठीक है, इस जी पावर को भी देखिए आप। ओके ये स्टॉक भी ना एक दिन बहुत फास्ट निकलेगा, एक दिन बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत बॉटम पे है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल भी इसके बारे में शेयर किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ना बहुत जल्दी ये 375 की तरफ जाने वाला है। ओके और जब निकल जाए बहुत फास्ट मूवमेंट करेगा, तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, स्विंग में ट्रेड करने के लिए काफी अच्छा सेटअप तैयार हो गया है इसमें जी पावर में। ओके नजर रखिएगा इसी स्टॉक्स को। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए आज रात को ना फेड का इवेंट है, तो मे भी बाजार थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है मॉर्निंग में, इसकी संभावना बहुत है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा मुश्किल होगा, और जो लॉस होगा वो फिक्स लॉस है, तो हम लोग उस लॉस ले लेंगे, ठीक है, आपके पास जो ट्रेड होगा। लेकिन अगर गैप अप खुला तो क्या, या फ्लैट खुला तो क्या, फ्लैट खुला तो मैं कहूंगा ना इसमें बाई का पोजीशन बनाना चाहिए, ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो इसमें बाई का पोजीशन बनाना चाहिए। और जैसे 47,200 के ऊपर टिकता है, 47,200 के ऊपर टिकता है, तो फिर इसमें ना कंटिन्यू का ट्रेड इस हाई तक बनाना चाहिए, एटलीस्ट 47,500 का, ठीक है, बुलिश ट्रेड बनाना चाहिए इंट्राडे के लिए। और जिनके पास ट्रेड है, जो मेरे साथ ट्रेड बनाए हुए होंगे आप लोग, तो आप पोजीशन को होल्ड करिएगा, 47,500 तक का मोमेंट इसमें मिलना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये गैप अप खुला तो क्या करेंगे, गैप अप खुलेगा फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा कि अगर गैप अप खुला तो बाजार ये भाव को रेजिस्टेंस बनाएगा, यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, तो इंट्राडे में ना यहाँ से शॉर्ट का प्लान करें अगर कोई बेरिश कैंडल बनता है तो, ठीक है। और पोजिशनल ट्रेड आपके पास जो होगा उसमें कम गेन मिलेगा, तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, मतलब इंतजार करेंगे टाइम स्पेंड करने, क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाए हैं, ठीक है, तो इसलिए, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी के पोजीशन में टॉप में बुक कर देंगे तो गेन उतना नहीं मिलेगा, राइट, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे हमें गेन मिलता जाएगा, तो वेट करेंगे इस भाव के नीचे तक, यहां तक तो हमें कोई लॉस नहीं, इधर तक हमें लॉस नहीं है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे जब तक हमारे लेवल के नीचे बाजार क्लोज न कर जाए, नेगेटिव ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, फ्लैट खुलेगा प्लान करेंगे थोड़ा ऊपर की साइड का ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में, गैप अप खुलेगा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हो इंट्राडे में, ठीक है। और अगर बाजार यहीं पर रुक गया तब तो कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में टाइम स्पेंड करेगा, फिर इसमें मूवमेंट आएगा अपर साइड का, या फिर टाइम स्पेंड कर जाएगा यहीं पर बाजार, ठीक है, थोड़ा सा विक्स डाउन हो जाएगा इसका और RSI कूल हो जाएगा, तो फिर बाजार इधर ही कंसोलिडेट करके एक आध दिन ब्रेकआउट करेगा अपर साइड में 48,000 की तरफ का। मेरा टारगेट इसमें 48,000, लेकिन अभी सेटअप में 48,000 दिख नहीं रहा है, रजिस्टेंस दिख रहा है 47,500, फिर देखेंगे कैसे मूवमेंट आता है। ओके और इसी तरीके से फ्रेंड्स निफ्टी में अब जब तक नीचे क्लोजिंग न कर जाए शॉर्ट नहीं करना है, 20,850 के बिलो इंडेक्स ने हैमर कैंडल बनाया हुआ है, तो मेरी उम्मीद है कि कल इसमें मूवमेंट मिलना चाहिए अपर साइड का, एटलीस्ट ये स्विंग हाई तक का, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देखिए निफ्टी में मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया है एक कॉल बाई एक सेल, यहाँ तक में बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा, 21,000 में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है अगर गैप अप खुलता है तो, और मुझे लगता है खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो चार्ट लगाओ 5 मिनट का, चार्ट लगाइए 5 मिनट का, अगर फ्लैट खुलता है तो थोड़ा इंतजार करो नीचे आने का और इस भाव से बाई का प्लान करो, डेफिनेटली यहां से बाई का प्लान करना चाहिए, तो प्राइस सेक्शन भी बनेगा, जैसे कल मैं बताया था आप लोगों को याद होगा कि ये
अभी लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन में जा रहा है, इसे ऊपर जाने के लिए ना फिर इसी टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन बना, ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि 20,900 के आसपास निफ्टी मिल जाए, तो यहाँ से ना 21,000 का टारगेट इंट्राडे के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड प्ले करेंगे तो एटीएम का बाई कर लो, और 21,100 का, ठीक है, 21,100 का पुट शॉर्ट करो। हमें पता है कि यहीं तक जाएगा बाजार, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया तो अच्छा गेन मिल जाएगा। जब रिस्क ले रहे हैं, हमारा फिक्स लॉस के साथ पोजीशन हाई है, तो फिर हायर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड बनाओ, सिंपल, ठीक है। तो ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। फ्लैट खुलेगा, यहां से कोई ट्रेड नहीं करना है, वेट करो नीचे आने का, फिर बाई का प्लान बनेगा। गैप अप खुलेगा, प्रॉफिट बुकिंग करो, या टॉप से शॉर्ट का प्लान करो, बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा व्यू। और जैसे मैं बजाज फाइनेंस में आप लोगों को ट्रेड दिया था, आज इसमें बहुत अच्छा डीके आना शुरू हो गया है, आप लोग बनाए होंगे तो पता होगा, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन को होल्ड करेंगे अपन, ठीक है। आज मैंने एडजस्ट भी किया है थोड़ा सा, आपको मैं शेयर करूँ, मेरा छोटा वाला डीमैट में पोजीशन बना हुआ है, ये देखिए। तो बहुत अच्छा गेन मिल चुका है, मैं पहले 21,000 बुक कर लिया था, इसमें आज 6,000 और बुक किया हूँ, ठीक है, इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी इसमें अब अच्छा गेन मिलने लगा है, कल मुझे लगता है दोनों में ग्रीन हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। और निफ्टी में जो मैंने एक पुट शॉर्ट करके एक पुट बाई का भी प्लान किया है, ठीक है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम बना है, फिर भी मैंने कल के लिए प्लान किया हुआ है। उम्मीद है कि गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, राइट। तो ये रहा मेरा दोनों डीमेट का स्क्रीन, आप लोगों ने देखा होगा, और कुछ स्टॉक्स के ऊपर मैंने व्यू शेयर किया। फ्रेंड्स, आप जी पावर को जरूर ध्यान रख सकते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। अभी बहुत सारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर तानला को कैसे करें और नजारा टेक को कैसे करें, वेट करो, मुझे लगता है मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक्स के ऊपर मेरा व्यू और लेवल। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।